चलते है क्या है? काम दाम नहीं ऐसे घूमते रहते हो, दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाते हो। खराब मत पाएगा। खराब नहीं पाना। चल हट। काम दाम नहीं ऐसे काम दे रहे हो, ऐसे दूसरों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। एजी सुनिए तो, एजी तबीयत भी खराब है, आज रहने दीजिए, तबीयत ठीक होने से जाएगा। सुनो, मैं नहीं करने से तुम लोगों का पेट भरेगा क्या? मरते दम तक करके खिलाएगा। ये मरने का बात क्या होगा मुझे मालूम नहीं। बोलते हो? बोलने का मजबूर हूँ। ये बेटा ने कुछ करता होता तो मुझे बोलने का कुछ जरूरत नहीं। उसको चुप चुप, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। अरे कुछ समझाना है तो बेटा को समझाओ। किसको कैसे समझाओ, कोई भी उपाय नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं वही जाने। माँ तूने क्यों इतना चिंता करके अपने आप को कष्ट दे रही हो? क्यों नहीं सोचूंगी बोलो तो, वो भी कुछ नहीं करता, पिताजी भी पहले जैसा मेहनत नहीं कर सकते, ये घर भी कैसे चलेगा? तेरी भविष्य के भी बात है माँ। अरे कड़वी। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? ए थोड़ा कृषि विभाग का ऑफिस से आता हूँ, रुको। पिताजी का तबीयत कैसे है? अभी ठीक है। और वो कहाँ? बिना चाय पिए ही निकल गया। भैया आप ही थोड़ा समझाइए तो उसको। कितना समझाएगा और? ठीक है, और एक बार बोल के देखेगा तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे जवान, नौकरी मिला क्या? कहाँ होगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मरीसिका, समझा? फायदा नहीं। देखो हम लोग बिना नौकरी किए सरकारी धन खा रहा है। देते रहो, इंटरव्यू देते रहो, फायदा नहीं। सरकारी चाकरी নেলাগেলা হরি, ওই নালাগে তলব ধন, ঘরতে থাকিবা বন বাড়ি করিবা, ওই পহিবা ভাগবত রামায়ণ। দেতে রহো, ইন্টারভিউ দেতে রহো। देखो तो
कोई एक भी नहीं आया अभी तक। बेटी तू ही थोड़ा जाकर देखकर आओगी क्या? रुक, जाती हूँ। सासी, क्या कर रही हो? सासा जी नहीं आया है, वही देख रही हूँ। आया है, पोदुम का दुकान में खड़े है। फिर ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? मधु का बक्से देख के आऊँ, चिड़िया आती है। कनक भैया, हम भी मधु नहीं पाल सकते क्या? अरे क्यों नहीं। तो सुनो, तू एक दिन मेरे साथ चलना, कृषि कार्यालय में जाकर तुम्हें सब समझा लूंगा, यानी वो लोग ही सब सुविधा कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक दिन जाऊंगी। ठीक है, चलता हूँ सासी, चलता हूँ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल, बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक, खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन, जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भैया सुनो तो। हाँ। पिताजी ने धान के बारे में पूछा था, धान का बीज आया है, बहुत अच्छा धान का बीज, सोना सब वान बोलते हैं, जिस जगह पर बाढ़ होते हैं उसी जगह पर खेत कट सकते हैं, धान पानी का अंदर रहने से भी कुछ नहीं होता। पिताजी को बोलना ऑफिस से जल्दी ले आए। पावर टिलर के बारे में भी पूछा था, पावर टिलर लेने का काम अभी चल रहा है, पिताजी को ऑफिस में जाने बोलो, फॉर्म दे रहा है वो जाकर ले आ सकते है। मदन भैया कहाँ से आया? ऐसे ही। आप? ए मत बोलना, कृषि विभाग का ऑफिस में जाने वाला था लेकिन जा नहीं पाया, दूसरा एक काम निकल पड़ा। लेकिन बोलो तू, तेरा खबर कैसा है? ऐसे ही है। अरे तेरा नौकरी होगा कि नहीं? उसने पर खराब मत पाना, खेत का जमीन बेच के पैसा दिया, अब वापस मिलेगा क्या? इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है मदन भैया। तू दूसरा कुछ क्यों नहीं करता? पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन लेके दूसरा काम कैसे करूं? अरे बात ये है क्या? होगा होगा, तू पहले थोड़ा धीरज रख, मैं तुझे कुछ समझाऊंगा। चल अभी घर चल, माँ शायद इंतजार कर रही है, उठो मेरे साइकिल पे बैठ। रहने दीजिए आप चलिए। अरे बैठना, बैठ बैठ बैठ, जल्दी पहुंचेंगे। तू हर समय बेटा का साथ मत देना। नाराज क्यों होते हो? मैं कहां उसके तरफ बोलती हूँ? मैं और कितना दिन तक रहूंगा, उसका तो भविष्य बोल के कुछ है, उन दोनों का सुखी देखना क्या मैं नहीं चाहता? बेटी को पढ़ा लिखा कर ससुराल में विदा करना है, ये सब मैं कैसे करूं बोलो तो? अगर वो मेरा लड़का होकर थोड़ा सा भी सहायता नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा। रहने दो, बैठे रहने से कुछ ठीक नहीं होगा। भगवान है ना? सुनो, भगवान ने ऊपर से रुपया का ठेला नहीं फेंकने वाला। ठीक है रहने दीजिए। लेकिन ये महाराष्ट्र कहाँ चला गया, खाना खाया कि नहीं? अभी गुच्छा करते हो, अभी उसके बारे में ही सोचते हो। उसने नहीं सोचने से भी पापल के मुझे तो कुछ चिंता है ना,
सुबह ही बिना चाय पिए ही निकल गए, आया ही नहीं। क्या बिना चाय पिए ही निकल गया? हाँ, आपने ही तो दादा था। चाय पीना तो मना नहीं किया था। खाना खाया? हाँ खा लिया भैया। जा इसको भी खाना दे दो। दीपेन जाओ मुंह हाथ धो के खाना खा लो, मैं चलता हूँ। ठीक है जाओ। भैया रुको, पीछे से चलो, सामने वाला कमरा में पिताजी है। और सुनो, हाथ पाँव धो के खाना खा लेना, चलो। अरे करबी, अरे दीपाली दीदी रुक, भैया खाना रखा हुआ है। हाँ दीपाली दीदी। करबी तू मुझे अपने भाभी बनाओगे? चल हट। बोलो तो बोलो क्या हुआ, चल अंदर चलते हैं। रहने दो रहने दो। सुनो कल गुट के मेल में आओगी ना? हाँ जाऊंगी। क्यों? मैं जो बोली थी वो बात मछली पलना। हाँ मैं वो बात निकालूंगी, तुम लोग हाँ बोलना। हाँ बोलने का क्या जरूरत है, वो तो सभी मान लेंगे। ए, छोड़ो वो निर्मला चाची, वो थोड़ा ज्यादा करती हम लोग का सभी काम में ना। बोलने से होगा क्या, चलानी मछली से तो लोकल मछली अच्छी है। और सुना है ना चलानी मछली में कितना दवा लेके लाते हैं, वो सब खा के बीमार होने से नहीं खाना ही अच्छा है। लेकिन तालाब है, मैं नगेन बाबूजी को पूछा था ना, वो तालाब ऐसे ही पड़ा है, हमें देंगे और जब उन्हें चाहिए हम छोड़ देंगे, दूसरा ढूंढ लेंगे। ठीक है बहुत अच्छा होगा, तो चलती हूँ उन लोगों को भी मिलके आती हूँ। ए दीपाली दीदी तू लेकिन सच में बहुत तेज है, इसलिए तो बोलती हूँ भाभी बना लो, चल हट। अरे दीपाली सुना तो सुनो, अरे मुझे बॉयलर फार्म खोलने के लिए केसीसी लोन मिला ना। ओ है क्या, हम भी मछली पालेंगे। ओ पुठी मछली? चा पुठी मछली क्यों, बड़ी मछली पालूंगी। ओ गरई मछली दूंगी तुझे, रोहू मछली पालूंगी। अरे मैं कोयलर भी पालूंगा ना, समझा? अच्छा होगा, तू तो दिखने में कोयलर जैसा है। अरे क्या, अरे मुझे कोयलर पाल के पैसा मिलने से मैं शादी भी करूंगा, समझा? तेरी जैसी एक ढूंढ रहा हूँ। ये देखा है? तेरी ये भी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है उसकी। भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। मेरी बात छोड़ो भैया, तू अपने बारे में सोच, इतना सारा जमीन घर तुझे ही तो संभालना है, माँ पिताजी भी बूढ़े हो रहे हैं और कितना करेंगे। मैं क्या करूं बोलो तो, नौकरी एक नहीं होने से मैं क्या करूं? अरे नौकरी नहीं होने से भी आदमी चल सकते हैं, दूसरा कुछ भी कर सकते हो। पढ़ लिख कर दूसरा कुछ करने से शर्म नहीं आएगा क्या? काम में शर्म क्यों, काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, सभी काम अपने अपने जगह में बड़ा है। किसान धान नहीं उगाने से नौकरी वालों को खाने मिलेगा क्या? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सहज से लो, ठीक हो जाएगा। और पिताजी कुछ बोलने से तो गुस्सा मत होना भैया, हमारे भले के लिए बोलते हैं। बेटी करबी आती हो माँ।
बातों को सोचना भैया। तुम लोग का मधु का उत्पादन कैसा हो रहा है? अच्छा है, और डोसा और बक्सा देने का बात है। सरकार का ये सुविधा मिलकर हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है। हा, 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 ए, सुनो तो सुनो, ये महिला के गुट में सुना कल झगड़ा हुआ है। झगड़ा मतलब? दीपाली और साथियों ने एक फिसाड़ी खोलने का बात बोला। साहस जो किया वही अच्छा लगा। ओ, लेकिन वो निर्डोला सासी को एतराज है, शायद घाटा होगा। ये बात है क्या? नुकसान होगा सोचने से हम लोग कैसे आगे बढ़ेगा बोलो तो। हाँ। सरकार का ये सुविधा तो लेना ही चाहिए। सरकार ने हम लोगों को सारी तरफ से सुविधा दे रहा है, समझा है कि नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा तू जा, मैं थोड़ा नींबू बड़ी होके आता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलता हूँ। ये भी पढ़ लिख कर बड़ा होगा, नौकरी नहीं मिलने से क्या करेगा? मेरा सोच गलत है क्या? लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करता? मुझ पे क्यों हंसता? मेरा गलती कहाँ? अरे दिपेन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? इन्हें देख रहा हूँ। इन्हें देखने से बचपन याद आते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, खुशी का दिन। अच्छा तू रुक, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, रुको। मैंने एक बात सोचा है। क्या बात? हम लोग तो घर में ही मशरूम उगा सकते हैं। सकेंगे क्या? क्यों नहीं, ज्यादा जगह तो नहीं चाहिए। लेकिन हम तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुना है कृषि विभाग से सब कुछ समझा बुझा के ठीक कर देते हैं। जरूरत होने से ऑफिस में जाएंगे। अच्छा, और एक बात है, हम लोग को देखने से शायद भैया को उत्साह मिलेगा। हाँ तुम ठीक बोल रही हो, तो हमें एक दो जानकार लोगों को इस बारे में पूछना पड़ेगा। अभी चलो चलो रसोई घर में चलो चलो। आओ आओ आओ, ये देखो मेरे मधु का बक्सा। ये साड़ा विभाग से मिला है। रानी को बाहर से पकड़कर बक्से में डाल दिया, बस। कमाई? अच्छा है, मेरा काम ही नहीं, मधु चाक के निकालना है और बेचना है, घर में ही सकता है, समझा? अरे तेरा काम होगा कि नहीं? जा नहीं सका रे, उस दिन जरूरी काम निकल पड़ा, ऑफिस जा ही नहीं पाया। अभी ट्रैक्टर लेना होगा कि नहीं? क्यों नहीं, ऑफिस से जोड़े रहा है, उधार पैसा में भी रिहाई है, पैसा सुविधा क्यों छोड़ू, बोलो तो बोलो, लेंगे। ठीक है, ट्रैक्टर एक गांव पे आने से सबको सुविधा होगा। वो आ रहा है। अरे दीपेन आओ। तो क्यों बुलाए? इसको पसंद नहीं आता है, बाप कष्ट करता है और ये गांव घूमते रहता है।
हाँ मदन भैया, खोगेन भैया। हाँ कहाँ से आया? कहाँ से आएगा, कहाँ घूम के आया है? रुक ना, मैं क्या खराब बोला? बाप को अगर काम पे सहायता नहीं कर सकता तो गांव में रहने से शहर में जाने अच्छा। इसे बैठ के खाने का आदमी मुझे पसंद नहीं होता। दीपेन खराब मत माना, असलियत में पिताजी को देखने से खराब लगता है, इसलिए ठीक है तुम जाओ। अरे तू फच्चे ऐसा क्यों बोलता है? देख मदन, मैं बात ऐसे बोलता हूँ, और एक बात है, गांव का सभी लड़का पढ़ सुनकर अगर शहर जाएगा तो गांव गांव होकर रहेगा क्या? हम लोग का खेती बाड़ी रहेगा, हमारा जाति का रीत नीति रहेगा? सरकार गांव बसाने के लिए कितना मेहनत किया है और हम लोग क्या करें? क्या करेगा बोलो, किसको कैसे समझाएगा? हम बड़े ने काम से समझाना होगा। ये अनंत को देखो, ये अनिल भैया को देखो, और फोटिक को देखो, वो लोग क्या कर रहा है? वो नेमू फीसाड़ी काट फुला करके वो शहर का लोगों को गांव पे लाया है। और हम लोग और हमारे जवान शहर की ओर जा रहा है, क्या होगा हमारा गांव का भविष्य? क्या होगा, और जो होना है होने दो, गांव का भलाई के लिए कितने ने सोचता है। तू बैठो, मुझे कभी उठाना है, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ, रुको। चलो फिर। हमें लुकासुपी खेलना नहीं आता है, किसान लोग है, खेत में ही व्यस्त रहता हूँ। ए ए, किसको छेड़ा है तू? अरे दीपाली, कहाँ छुपे थे तुम? क्यों छुपूंगी मैं, गोबर कुचला था, पाँव पूछने गए थी। अच्छा हुआ मुझे जो नहीं कुचला। अरे मैं कोयला लाया हूँ ना। मुझे क्या करना, मुर्गी खाना साफ करना है? अरे मेरी मन की बात बोल दी तूने, मेरे साथ संसार करने से ही सकेगी। चल हट। कितनी अच्छी लगती है उनकी ये सब। अरे सुना तू, उठा, देखा तू नहीं क्या केचू खाद है? यही है और कम खर्च में अच्छी चीज। कैसे क्या है ये सब? कैसे किया मतलब, घर में तो गोबर है ही, पास में जो पत्ता वत्ता मिला है, केला का घास लाकर काट लिया, पहले गोबर को डाला, गोबर के ऊपर केला का घास पाद वगैरह डाला, उसके ऊपर फिर गोबर डाला, गोबर डाल के उसके बाद बीच में से एक लंबा सा गड्ढा खोद के केचू डाल दिया।